हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू ब्लॉग। तो यार आज ना मैंने रिकॉर्ड बनाया कि मैं सबसे जल्दी उठा, सबसे जल्दी तो नहीं उठा पर सबसे जल्दी नहा धो लिया, रेडी हो गया बिल्कुल, क्योंकि कल नहीं नहाया था मैं। और मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में मेरे को कल बहुत ज़्यादा पेन था और आज भी सच में बहुत ज़्यादा दर्द है। कल मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी ना, इसकी अभी भी दिखाता हूँ, अभी भी ना इस पर स्वेलिंग है दवाई लेने के बाद भी। तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने भाई, पर उससे पहले ना मेरे को इसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ड्रेसिंग मतलब पट्टी तो नहीं होगी इस पर, लेकिन स्प्रिट से ना साफ करके इससे, और इस पर ना दवाई लगती है तो वो लगानी है। तो ये करके दवाई लगा के दिन में 2 से 3 बार लगानी पड़ती है। अभी लगा के जा रहा हूँ मैं डॉक्टर के पास। देख तुम्हारा भाई ना ऐसे एक हाथ से खोलता है ये, क्योंकि इस अंगूठे की जान ना इसमें आ गई अभी। ऐसे खोल लेता हूँ पर थोड़ी सी हेल्प राखी भी करती है, जैसे अभी इसने फोन पकड़ा हुआ है, इसको काट भी दे एक। लम्बे ही काट दूंगा, तू मेरे को कैची दे, कैची दे। यूं तो अकेला भाई इसमें ना पहले, क्योंकि कल मैंने जो दवाई लगाई थी ना वो साफ करनी पड़ती है मेरे को, फिर उसके बाद इसे साफ करके वो नई वाली ट्यूब, ये वाली ट्यूब दे रखी है, पर ये अभी ख़त्म हो गई है। तो मैंने इसके एडवांस में ना एक और दूसरी मंगा के रखी हुई है, ये वाली सेम। अभी मैं साफ कर लेता हूँ, लो मैं निकाल के देता हूँ। नहीं वो नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी पक्का, देख कर ऐसे जबरदस्ती तो निकल ही जाएगी, ट्राई करते हैं। ये निकलेगी अभी ना, ऐसे करके ना ये साफ करना पड़ता है पूरा, जो भी गंदगी है ना ऐसे करके। और देखो मैं खूब, क्योंकि सिर्फ इतना ही काम है जो डॉक्टर ने मेरे को बताया था, और ये मैं खुद कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला है कि आने की ज़रूरत नहीं, खुद ही साफ़ कर लिया करी। तो भाई खुद साफ़ करके ना खुद ही अप्लाई करूँगा दवाई। इसके स्प्रिट डाल दे अभी भी, किस स्प्रिट ने बस डली नहीं, अरे लगती है थोड़ी सी। हाँ इसके अंदर ही होगी बेटा, देख लो दोनों तीनों, ये टेबल के ऊपर भी रखी हो सकती है, इसमें भी देख लेना। ये जरूरी कागज है, इन्हें मत निकालो बेटा, ये पापा के हैं। देखो ये ना आरवी का नर्सरी क्लास का रिपोर्ट कार्ड है, जिसपे की इसे स्कूल के लोगों पे ना आरवी की फोटो छपी हुई है। देखो दिखा दो अभी, यार खुल नहीं रहा ये देखो, ये रहा आरवी, ये बैठा हुआ है। जब ना इसके बाल इतने बड़े थे, और ये इसकी फ्रेंड है। ये इसकी क्लास टीचर, और ये आरविक के नर्सरी क्लास के मार्क्स। इसमें ना थोड़ी सी बची है तो इसको यूज कर लेता हूँ। मुंह क्यों छुपा देती तू, अभी ये सारा सामान इकट्ठा करके इसमें रख दे। हाँ इसमें रख दे, ठीक है। मैं और पापा जी जा रहे हैं हॉस्पिटल, हानी को भी लेके जाऊंगा, एक दो क्लिप शूट कराऊंगा। किस लिए जा रहे हो? अरे यार इसको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है इसमें। तो यार एक भाई ने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और आप में से बहुत लोगों का डाउट भी है वो, कि मेरी लीव चल रही है, मैं छुट्टी पर हूँ, या फिर मेरे को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? तो देखो मैं बताऊँ आपको, क्योंकि ना मैंने विस्तारा ज्वाइन करी थी, मेरे को 1 साल हुआ है, तो पहले साल की जितनी भी छुट्टी थी वो कैरी फॉरवर्ड हो गई थी इस साल, और फर्स्ट ईयर की पूरी छुट्टियाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाती तो मेरी हो गई थी। तो मेरे को अभी इस साल की मिला के और पिछले साल की मिला के टोटल 56 डेज की, 56 दिन की छुट्टी मेरे पास थी। तो जब 56 दिन हो जाएंगे ना मेरे को लीव पे, तब तक तो मेरे को फुल सैलरी मिलेगा, लेकिन 56 दिन के बाद मेरे कुछ इंश्योरेंस हैं, जैसे कि एक मेरा बेनिवोलेंट फंड है और एक और इंश्योरेंस है, तो वो मेरे को सैलरी देंगे फिर उसके बाद। तो जितना मेरे को सैलरी मिल रहा था कंपनी में एयरलाइन में, उतना ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम, मेरे को बिल्कुल भी आईडिया नहीं कि ज़्यादा मिलेगा कम, वैसे तो ज़्यादा का तो कोई सीन है नहीं, उससे कम ही मिलेगा। लेकिन ये है कि जो मेरे खर्चे हैं, जब तक मैं टेम्परेरी मेडिकल अनफिट हूँ तब तक मेरे को कुछ पैसा मिलता रहेगा, जिससे मेरे काम चलते रहेंगे। और जैसे ही मेरा ये अंगूठा सही हो जाएगा तो मेरा एक मेडिकल होगा, उसके बाद डिसाइड हो ही जाएगा कि फाइनली मैं फ्लाइंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आई होप कि ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा, मेरा भी मन था ये चीज़ बताने का आपको। और अभी मेरे को लगभग 20 दिन हुए हैं, तो मेरे पास 36 डेज की छुट्टी पड़ी है, तो वो अभी तब तक इन छुट्टियों में मेरे हिसाब से मेरा अंगूठा सही हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद मेरा मेडिकल हो ही जाएगा।
चलो भाई डॉक्टर के पास, खाना खा ले फिर चल रहे हैं। ठीक है पापा जी, चलें डॉक्टर के पास। हाँ नहीं, खाना खा रहा है, एक बार खा ले फिर चल रहे हैं। तू कैसा ना कहीं इंस्टीट्यूट है तो मुंह थोड़ी सुन रहा, तेज बोल, मरेगी। पापा जी और हनी ना मेरी बाट देख रहे हैं बाहर, बाट मतलब इंतजार वो कहते हैं। तो मैं अपनी वीडियो ना, अपनी क्लिप्स जो भी मैं शूट करता हूँ साथ के साथ एडिट करता रहता हूँ, मैं वही एडिट कर रहा था, अभी आवाज आई तो बाहर जा रहा हूँ। एक बार पकड़ियो, मैं ना पजामा ऊपर कर लूँ, थोड़ा पड़ा हुआ हूँ भाई। ये ना मैंने नया लिया था अपने एक्सीडेंट से पहले, पर ये थोड़ा बड़ा आ गया, अभी मेरे को टाइम मिला नहीं है इसको सही कराने का, तो मैं ऐसे होल्ड कर लेता हूँ कहीं जाता हूँ, पर है बहुत कंफर्टेबल इसलिए इसको पहनता हूँ। साफ कर दिए इसने, साफ करे हैं आज मेरे क्लॉथ्स। मैं चलाऊँ पापा जी, पीछे बैठूंगा यार मैं। खोलिए खिड़की, खोलिए। हाँ चल लगा दे, निकल जाएगी गाड़ी आगे थे। कल डॉक्टर मिलने की कम उम्मीद है क्योंकि इलेक्शन है, जाम है मोड़ या फिर चले आगे तो है, लेफ्ट में तो निकलने की जगह है कहीं। हाँ ले लो सीधी लाइन में हम आ गए, तो ये बंद है, दूसरी चल रही है। इंकलाब जिंदाबाद, क्या बात है। देखो भाई इलेक्शन के चक्कर में कितना ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही बुरा हाल है, और इस वजह से लगा हुआ है। मेरे भाई ने गाड़ी पार्क करी है बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही करता हूँ। देखो कैब दिख रहा है तुम्हें, ये देखना बस इतना सही कैब है ना, एक नंबर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जाम आप लोगों ने देख लिया, तो हमने लिए कोला, इसके लिए भी इन्होंने पी लिया भाई साहब ने, मेरा बचा क्योंकि मैंने गाड़ी चलाई थी, डॉक्टर ने मेरे परहेज ख़त्म कर दिए। नहाने तक का भी बोल रहे कि अब तू नहा सकता है इस हाथ से, पर मैं अभी नहाऊंगा नहीं भाई, क्योंकि थोड़ा और सही होने देते हैं। स्वेलिंग का डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, जैसी घाव अपने आप सूखता रहेगा ये सही होती रहेगी। तो अब जाके आराम से रेस्ट करूँगा और कुछ खाऊँगा। सही है, तेरे सब्सक्राइबर मिले थे नीचे, मैं ना उनकी वीडियो मतलब क्लिप बना रहा था, वो भीतर भाग के अंदर मेरे सब्सक्राइबर। हाँ कुछ उल्टा सीधा ही बोल रहे हैं। अरे इनके इनके घर नहीं आए, वो बहुत सारे बच्चे हैं, कह रहे हम उनके वो है सब्सक्राइबर आएंगे तेरे से मिलने। हाँ मैं लेके आ रहा हूँ शर्मा के घर, हर सीट की पूरा प्लेट बच्चे हैं। अरे वो बड़ी सुंदर सुंदर है, कितने सुंदर है वो लड़कियाँ। या पर बोल देगा सुन लेंगे ना, आप तो मिल जाएंगे सब्सक्राइबर। गाइस आज आरविक जा रहा है बहुत दिनों में एकेडमी, क्योंकि गर्मी पड़ी हुई थी, मैंने राखी को मना कर दिया था, मैं बिल्कुल और भेजियो, क्योंकि यार 5-6 बजे तक भी बहुत गर्मी रहती है, पर मौसम सही है, कल भी ठीक था, देख के फिर आज जा रहा है। कैसा लग रहा है सर आपको, आप एकेडमी जा रहे हो? कभी अच्छा भी लगता है, जल्दी उठ जल्दी से। शर्माता क्यों है, चल जल्दी 5 बज गए हैं, रेडी हो जा, पापा ही जाएंगे तेरे को छोड़ने, मैं नहीं जा पाऊंगा। आप भी जाओगे? मैं लेने चला जाऊंगा, तू जा। ये किसने फाड़ा है पोस्टर पीछे वाला? किसने और इसके भैया ने हैं, दोनों हरामी। बाय अरविक, बाय। ऐसे करते हैं हाँ? सही से करो, बाय बाय जाओ। गाइज आरविक तो चला गया है और अपना भी टाइम हो गया इस व्लॉग को अपलोड करने का, अपलोड जब होगा जब मैं पहले इसको खत्म करूंगा, तो ये वाला व्लॉग मैं करूंगा यहीं पे खत्म। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और ऐसे शेयर करते रहो, मेरे को यूट्यूब ने बताया पिछले हफ्ते में मेरी 436 बार वीडियो शेयर हुई मेरे चैनल से, तो और यार और थोड़ा सा और इंक्रीज करो इस रीच को, ताकि और जल्दी से चैनल ग्रो हो। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।